नमस्कार, आप सभी का वीरे टीवी भारत में स्वागत है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा चर्चित और सुपरस्टार अभिनेत्री नयनतारा हाल ही में मां बनने की खबरों के कारण सुर्खियों में है। 9 अक्टूबर को नयनतारा और उनके पति फिल्म डायरेक्टर विघ्नेश शिव ने जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बनने की घोषणा की थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इस स्टार कपल के शादी के 4 महीनों के बाद ही बच्चे होने पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया की इस बहस के बीच नयनतारा और विघ्नेश सरकार के निशाने पर आ गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने कपल के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं। साउथ के स्टार कपल नयनतारा और विघ्नेश शिवन ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के साथ फोटो शेयर की थी। इस गुड न्यूज को कपल ने फैंस के साथ बांटते हुए काफी खुशी नजर आए थे। फैंस ने भी कपल को ढेरों बधाई दी थी, लेकिन शादी के 4 महीने बाद ही नयनतारा के मां बनने पर सवाल उठे थे। किसे पता था कि कपल के लिए अचानक पेरेंट्स बनने से मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब नयनतारा और विघ्नेश के पेरेंट्स बनने पर जांच होगी। दरअसल नयनतारा और विघ्नेश शिवन सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बने हैं, इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। क्योंकि कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ विशेष मामलों के अलावा जनवरी 2022 से देश में सरोगेसी गैर कानूनी करार दे दी गई है। इस मामले में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री M.A. सुब्रमण्यम ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी और सरकार कपल से जवाब भी मांगेगी। सैरोगेसी में अपने आप में ही बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है, लेकिन कानून लोगों को सैरोगेसी का सहारा लेने की तभी इजाजत देता है जब वो 21 वर्ष से अधिक और 36 वर्ष से कम आयु के हों। इसमें परिवार की मंजूरी भी ली जाती है। ताज़ा अपडेट के लिए वीरे टीवी भारत से जुड़े रहें। नमस्कार।